चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंधविश्वास फैलाने के आरोपों के बीच अब नेता बाबा के समर्थन में आ गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय उन पर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। वहीं खुद बाबा भी अपनी सफाई में कह चुके हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा लगाए गए आरोपों को भी मिथ्या बताया है। विजयवर्गीय ने कहा कि जावरा दरगाह में लोग जमीन पर लोटते पीटते हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। क्या किसी ने जावरा पर सवाल किया है? और एक हिंदू महात्मा के सामने इस तरह की घटना होती है तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होकर आ जाते हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं है और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठा। जितेंद्र, क्योंकि सवाल ये है और इससे पहले तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि वो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, लोग उनके पास पहुंचते हैं, भक्त उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि आखिरकार सिर्फ कथा ही क्यों नहीं की जाती है? यहाँ पर तो सिर्फ बॉयकॉट करने की बात की जाती है, अगर सनातन धर्म को कोई नहीं मानता है तो उनको, और साथ ही साथ कई बार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल या फिर गुस्सा होते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिखाई दिए हैं, तो क्या एक यहाँ पर भगवान के भक्त को इस तरीके से ये सारी चीज़ें शोभा देती हैं? उनके व्यवहार पर, उनके जिस तरीके से वो करते हैं हरकतें, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका बिहेवियर लड़कपन बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करें मध्य प्रदेश में सरकारों की, मध्य प्रदेश में जहाँ एक और राजनीतिक सरकारें होती है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ऐसी कई सरकारें हैं जो कि वर्तमान में आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगी। बागेश्वर महाराज की अगर बात करें तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडोकर सरकार की बात करें तो पंडोकर सरकार के पीठाधीश्वर है पंडित भूषण शर्मा। इसके अलावा ददरुआ सरकार, इसके अलावा बहावतपुरा सरकार, ऐसी कई सरकारें मध्य प्रदेश में है जहाँ पर देश विदेश से जो लोग हैं उनका हुजूम आना यहाँ पर रहता है, बना रहता है। लेकिन इस बीच अगर हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें तो वर्तमान में उनके आप फॉलोअर्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हैं। कारण यह है कि उनके भक्तों की जो एक संख्या है वो काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनकी जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि उनको लड़कपन कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो लड़कपन है, उनका जिस प्रकार से बयान देना, जिस प्रकार से उनकी भाषा का प्रयोग करना, अपनी भाषा में बुंदेलखंडी शब्दों के प्रयोग के माध्यम से जिस प्रकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी बातों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो फ्रेंड फॉलोइंग है वो उससे वो ज्यादा बढ़ती जाती है। वही दूसरी अगर हम बात करें अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की, तो देखिए उसका एक एक्ट अलग है, उसके माध्यम से अगर पूरे एक्ट को पढ़ा जाए तो एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई आपको अपने पास बुलाता है, आपके ऊपर दबाव डालता है, आपको झाड़ फूक करता है, उसके बाद आप पर FIR दर्ज होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कथा की, तो वहाँ पर कथा हो रही थी, कथा में इस प्रकार की कोई चीज नहीं की गई। तो देखिए ऐसा कोई व्यक्ति भी सामने निकलकर नहीं आया है जो कि इस मामले में FIR दर्ज कराए कि उसको वो वहाँ पर उसको जबरदस्ती बुलाया गया या फिर उसके उसको वहाँ पर डांटा गया, उसको उसको उसके साथ झाड़फूंक की गई, उसकी मर्जी के विरुद्ध कुछ किया गया। बिल्कुल, भक्त अपने आप पहुंचते हैं, भक्तों की आस्था बढ़ती जा रही है और लाखों की संख्या में भक्त उनके दरबार में पहुंच रहे हैं उनको सुनने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर अर्जी लगाने के लिए। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।